पंजाब च फसलां नूं तबाह करन वाले जानवरां दा शिकार करन लई इस्तेमाल कीते जाण वाले हथियारां विच शोध कीता गया है। पंजाब राज जंगली जीव बोर्ड वल्लों इह फैसला कीता गया है। दस दिए कि हुण जानवरां दा शिकार करन लई 315 बोर दी राइफल दी वरतों कीती जाएगी। दस दिए कि पहला पशुआं ते 12 बोर दे हथियारां नाल हमला कीता जांदा सी। 315 बोर राइफल संबंधी जारी किए गए असला लाइसेंस नाल संबंधित नियमों च पंजाब राज जंगली जीव बोर्ड वल्लों तब्दीली की गई है। दस दिए कि हुण लाइसेंस जमीन मालिक दे नां ते ही दिता जाएगा। यह लाइसेंस सिर्फ एक साल लई वैध होवेगा। यह स्पष्ट है कि जमींदारां नूं हर साल अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना हुंदा है। उत्थे ही पंजाब राज जंगली जीव बोर्ड विभाग वल्लों जमींदार नूं शिकार तो बाद पशु की लाश जमा करवानी पवेगी। इस बारे जानकारी दिंदिया पठानकोट दे DFO परमजीत सिंह ने दस्या कि सूबे विच फसलां दा सब तो वध नुकसान नील गावां ते सूरा करके हुंदा है। सरकार वल्लों इस तो पहला जमीन मालकां नूं फसलां दी सुरक्षा लई परमिट जारी कीता जांदा सी। इहदे विच सरकार वल्लों जिहड़ा जानवरां तों जिहड़ा नुकसान हो रिहा फसलां नूं, उह खास करके जिहड़े सूर और नील गाय जिहड़े इह नुकसान ज़्यादा करदे आ, तो इन्हां वास्ते सरकार वल्लों एक परमिट जारी किया जाता हंटिंग का जिमीदार नूं। पहला जिहड़ा परमिट सीगा इह कोई भी ऑथोराइज बंदा लै सकदा सी जिमीदार दे बिहाव ते, लेकिन हुण सरकार ने सोध करके ते इहदे विच कुछ अमेंडमेंट कीतियां भी जिहड़ा परमिट उह जिहड़ा जिमीदार अफेक्टेड आ उह ही परमिट लऊगा। तो 315 बोर की जिहड़ा राइफल आ उह जिहड़ी यूज की जाऊगी। पहला 12 बोर की यूज की जाती है, लेकिन 12 बोर की जिहड़ी उह हुण वरतों नहीं की जाती जाऊगी। 315 बोर नाल ही शिकार किया जाऊ। 12 बोर नाल होर भी कई नुकसान होंदे सी, इस करके इह सरकार वल्लों फैसला किया गया भी 315 बोर नाल की जाऊ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।